कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने सतगुर दिल दिया जाने कंछी वाला दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने
25 नवंबर 1949 भी उन्होंने संविधान असैम्बली में अंतम सैशन में बाबा साहब के भाषण सुनने का मान प्राप्त है। 1951 में जो बाबा साहब जी ने अंबेडकर भवन दिल्ली विखे बुद्ध जयंती के अवसर समय एक वड्डे इकट्ठ को संबोधन किया सी, उत्थे भी सलेख साहब जी शामिल सलेख साहब जी शामिल होने का मान है। 52 दी चोणां समय भी शेड्यूल कास्ट फैडरेशन के उम्मीदवार इन्होंने डट के काम किया। अंबेडकरी समाज के महान सपूत हैं, इन्हों की समाज में मान देन है। सोहन सहजल जी अपनी नौकरी छड के समाज सेवा लई अंबेडकरी मिशन लई अपने नौकरी छड के अपने समाज सेवा के खेत्र खुद बै। उन्होंने एक बहुत महान एक मतलब गल दसन लगी हाँ कि इन्हों की मैं किताब पढ़ती पई सी, मैं इन्हों फोन करिया, सर जी तुहाड़ी बुक बहुत अच्छी है। मैं इन्हों गल्लां दसियां, गल्लां कीतियां, कहन लगे तुसी लीला जी अपनी गल कर लो पहला, मैं बाद में दसंगा कौन आ। तो मैनू इन्होंने बाद दसिया कि आपां कट्ठे पढ़े हाँ, तो ये मेरे क्लास फैलो भी आ, मैनू पता नहीं सी जो कि इन्होंने दसिया, बहुत खुशी की गल है मेरे लिए। SL बिरदी जी बतौर वकील हैं इतने, और इन्हों की भी अंबेडकरी समाज में बहुत देन है, बहुत काम करते अपने समाज लिए, लिटरेचर लिखते हैं, सेवा करते। साढ़े महान SR लेडर जी जो चंडीगढ़ तो पधारे हैं, मैं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। वो प्रिंसिपल सैकटरी है चंडीगढ़ के काम करते हैं, तो मैं उन्हों का भी बहुत बहुत तहे दिलों धन्यवाद करती हाँ। साड़ी इस छोटी जी गैदरिंग दे विच बहुत ही इंपोर्टेंट परसनैलिटीज शामिल ने, हाजिर ने, साड़ी बेनती मानते हुए इतने पधारे हैं, सारा का वेलकम है। मैं सारे बारे तो नहीं, मैं सिर्फ श्रीमान SR लद्दर जी IAS प्रिंसिपल सैकटरी पंजाब सरकार, जिहड़े वख वख अहुदियां ते बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने सेवा की है, और उन्होंने दो किताबा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बारे लिखिया हैं। एक तो है कि शेरनी का दुध, एक किताब का ना शेरनी का दुध, जिहड़ी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक कोटेशन है कि जिहड़ा विद्या पढ़ेगा एजुकेशन लेगा वो जरूर दहाड़ेगा, रिएक्शन करेगा। शेरनी का दुध उनकी बहुत मशहूर किताब है, जिहदियां तकरीबन 15,000 कापियां लोगों के विच जा चुकी हैं। और जिहड़ी दूजी किताब उन्होंने लिखी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्यों खौफ खाते हैं लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्यों खौफ खाते हैं लोग। नेचुरली भी बाबा साहब दी ग्रेटेस्ट इंडियन और दुनिया के महान विद्वान उन्होंने विचारों प्रचार प्रसार करने की एक बहुत वड्डी एफर्ट है। असी सारा समाज श्री गुरु रविदास सभा अर्बन स्टेट उन्होंने बहुत रिणिया धनवादी हाँ कि सरकार के एडे जिम्मेवार अहदे ते हुंदे होया भी वो भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों जिहड़ा प्रचार प्रचार का काम प्रसार का काम वो बड़ी शिद्दत दे नाल बड़े बखूबी निभा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर लद्दर साहब का इतने आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। लीला विल कंटिन्यू आन गुरदावरा बंगा जी और साढ़े बहुत ही उगे मैंबर श्रीमान जगन्नाथ जी को साढ़े मुख्य मेहमानों नाल लै के स्टेज पर आने। सब तो पहला श्रीमान लाहौरी राम बाली जी स्टेज पर आएंगे, मुख्य मेहमान ने सारे वो जमीन नाल जुड़े हुए लोग ने। बाबा डॉक्टर अंबेडकर जी के साथी
श्री लोहित राम बाली जी, केसी आजाद जी, साढ़े समाज हेतु अफसर एस आर लद्दर जी, श्री गुरु रविदास सभा के मैंबर साहबान प्रिंसिपल राम किशन जी, अज का ये जो समागम भैन लीलावती जी ने समता सैनिक दल वालों रखा है और बड़ी खुशी की गल है कि ये औरतों के जिहड़ा यूनिट है उन्हें कायम करने वास्ते उपराला है। संसार दे विच बहुत सारिया जिहड़ियां क्रांतियां इस करके फेल हो जानी है क्योंकि जिन्हें भी संगठन बनते आ वो समाज का जिहड़ा अद्धा हिस्सा औरतां उन्हां नूं घरां च ही छड्ड आउंदे हैगे आ और उन्हां नूं साथ नहीं लैके आउंदे, जिस करके जिन्हें भी संगठन बनते आ वो सफल नहीं होंदे। ये अज जो उपराला है बाबा साहब के समता सैनिक दल जिहड़ा उन्होंने उन्हां हालातों च उस वेले उन्होंने कायम करना पिया क्योंकि 1925 के करीब जिहड़ा ये जिहड़ा अपने देश का समा वो बड़ा ही गुंझलदार समा है। इस वेले ही जिहड़ी ये जिहड़ी RSS है पैदा होंदी है, इस वेले ये जिहड़ी श्रोमणी कमेटी है ये पैदा होंदी हैगी है, इस वेले ही इस तो थोड़ा पहला कम्युनिस्ट लहर पैदा होंदी हैगी है और इस दे नेड़े तेड़े आ धर्म लहर भी पैदा हुई और उस वेले क्योंकि समाज जिहड़ा फिरकू लीहां दे उत्ते वंडिया जा रहा सी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग सारे ही जिहड़े समाज नूं अपने नाल जोड़न दे उपराले कर रहे सी, पर दूजे पासे जिहड़े दलित लोग सीगे उन्हां दा बहुत शोषण हो रहा सी, उन्हां ते ये लोग अत्याचार करते सी और दलतां दीआं जिहड़ियां इज्जतां दे नाल खिलवाड़ करते सी। इन्हां गल्लां नूं मद्देनज़र रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक नौजवानों का जिहड़ा संगठन है समता सैनिक दल उहदी ये स्थापना की और उन्हूं अगे वो जदों भी बाबा साहब के जिन्ने सम्मेलन हुंदे सी उहदा सारा प्रबंध वो समता सैनिक दल करदा सी और उस लहर नूं अज तक लैके श्री लोहित राम जी बाली उन्होंने साथी जिहड़े आ वो लैके खड़े हन और अंदोलन नूं अगे वधा रहे हन। क्योंकि मैं तो इत्थे लोकल हाँ, आपां गल्लां बातां करते रहने हाँ क्योंकि दूर दूर तो जिहड़े अज अपने महान जिहड़े महापुरश हैगे आ जिन्हां ने अपना जीवन जिहड़ा अपने समाज लई लगा दिता हैगा आपां उन्हां दे विचार सुनने हैगे आ, इसलिए मैं अपने विचारां नूं इत्थे ही विराम दिंदा। जय भीम। जय दोस्तों, बच्चों, सेहत की वजह ना मेरा आना बहुत मुश्किल सीगा लेकिन यह कमिटमेंट है कि मैं थोड़े भी शामिल हो के विचार सांझे करन दा मौका मिलता है। लीला बहुत जी का बहुत ही एक श्लाघा योग उन्हां दा उपराला है कि उन्हां दा समता सैनिक दल दे नां ते इस फंक्शन दा उन्हां नूं ऑर्गेनाइज किया है। मैं इस वास्ते जिदा जिन्हां जिस तरह मैं उन्हां विच देखिया कि एक जोश है, बल्कि जोश तो भी अगे चल के जोश जनून है, तो इस करके मैं उन्हां दे उत्ते बहुत ही ज़्यादा मैं प्रभावित होया है। उन्हां दी एक्टिविटीज़ और उन्हां दा शौक इस गल दे विच खास तौर पर एक जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा लिटरेचर फैलाउण दा और बच्चों विच जा के प्रचार करन दा जिहड़ा उन्हां विच जज्बा है वो वाकई एक बहुत ही एप्रीशिएबल है। इस वेले उन्हां दे अपने
प्रोग्राम के हिसाब नाल जो कुछ भी किया जिस तरह मैं दसिया गया सीगा उहदे हिसाब नाल कोई हाजरी कोई अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जिस तरह जिन्हें भी हैं उन्हां विच बाबा साहब के मुतलक कुछ प्रचार और कुछ इदा दे ख्यालात जिहड़े है उह होना बहुत जरूरी है। और उहदे तो जिस भी पद्धर दे या जिथे भी हो सकता होवे तां उहनूं ज़्यादा तो ज़्यादा एप्रीशिएट करना चाहिए है। इस वेले जे तुसी मुल्क दे हालात दे उत्ते नज़र मारो तां इस वेले जिन्ना एक दलित समाज नूं जरूरत है इकट्ठे होण दी और इस मौके दे असार दे उत्ते अपना कोई यूनाइटेड एक बनाना चाहिए है कि आवाज़ बनानी चाहिए है, वो इस वेले जिनी इस वेले जरूरत है वो कदे नहीं हो सकती। अजकल जिहड़ी एक RSS या उस दे नाल उन्हां दा एक राजनीतिक स्वरूप जिहड़ा है वो BJP वो एक जे तुसी एक तो बाद इन्हां दीआं एक्टिविटीज़ इन्हां दे प्रोग्राम देख ते नज़र मारो तो एको ही चीज़ नज़र आती है कि जिदा किदा होवे कि एक जिस तरह इन्हां दा अपना एजेंडा है जिस तरह इन्हां दा एक बहुत वड्डा प्रोग्राम शुरू किया है कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति दे नाँ ते वो पुराना वक्त वो पुरानिया सिस्टम जिहड़ा हैगा व्यवस्था है उसनूं लागू करन ते ये कोई कसर नहीं छड्डी जा रही। इस वेले जिस तरह खास तौर पर मुसलमानों तो बाद एक दलित समाज के उत्ते जुलम तशद्दुद का सिलसिला एक शुरू किया है और उसका कदे भी असी इमेजिन नहीं सी कर सकते, इहदा एक अगर कोई तोड़ है या इसका कोई मुकाबला है तो वो सिर्फ एक अंबेडकरवाद है। अंबेडकर बाबा साहब की फिलोसफी है, बाबा साहब के जिहड़े उन्हां दे एक पॉलिटिकल समाजिक और कल्चरल और हर तरह के नाल उन्होंने जिस तरह अपना एक साढ़े सामने नक्शा अपने किताबां और लिटरेचर के थ्रू साढ़े सामने रखा है, उस तो बगैर इस इंडिया का कोई इलाज नहीं है। तो मैं जिथे तक देखता हाँ जिस तरह कि इतने फगवाड़े के बीच ही किस तरह का कलुका एक 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 बहुत जबरदस्त एक एक चौक का नाम रखने के उत्ते कितनी तकलीफ हुई है उसका जिहड़े इत्थे दे वसनीक है उन्होंने ज़्यादा पता है किस तरह कोरे गाँव के हाले तक वो खेड़ा नहीं छड़ते जिस तरह जिहड़े जिन्हां दे उत्ते जुल्म होया जिन्हां दे उत्ते ज़्यादतियां हुईयां उन्हां दे खिलाफ 3000 बंदियां दे उत्ते केस रजिस्टर करके उन्होंने परेशान किया जा रहा। और जिहड़े बड़े बड़े मुलजम सीगे जिहड़े जिहड़े बड़े बड़े आइडेंटिफाइड बंदे सीगे उन्होंने थोड़ी बहुती पुलिस की रिपोर्ट कर करके इधरों क्लीन चिट देती है और वो इस तरह का होया उन्होंने सहारनपुर के बाद और कोई अंत नहीं है। एक छोटी जी गल के उत्ते एक गऊ के नाँ के उत्ते जे एक तुरिया लैके जाता भी है उन्हों मार दो, कोई किसी किस्म का इत्थे कोई किसी कोई रूल्स ऑफ लॉ जिहड़ा है या उसका कोई लिहाज नहीं है। और इस तरह इस वेले जरूरत है कि जिस तरह इंडिकेशन भी है दुनिया दुखी हो गई है कि एक पासे बाबा साहब का नाम लिया जाता है दूजे पासे मूर्तियां ढाईया जांदियां है बाबा साहब के मेरठ और UP दे विच इहोजे केस होए आ कि जिथे एक जनूनी आदमी और अव्वल तां मूर्तियां तोड़दे आ दूसरे पासे एक उहनां नूं गेरू रंग का एक भगवा करन दा ही कोशिश शुरू कर दित्ती आ। एक थां उहनां नूं दिखाया गया है कि उहनां दे मत्थे ते चंदन टीका उहनां दे दुध दे नाल बुत नूं धोंदे आ उस तों बाद वेद मंत्रां नाल उहनां दा शुद्धिकरण करदे आ।
देखो इस ते ना इस तो बड़ा एक मूर्ख होना और इस तो बड़ा बेवकूफिया वाला की हो सकता है। इस वेले जरूरत है कि साडा समाज जिहड़ा हैगा जिस तरह के कई बाई पोल्स विच कई इलैक्शन विच एक सामने नज़र आ गया है, लोग दुखी हो चुके हैं इस राज तो और एक पासड़ जुल्म ज्यादतियां तो और उन्होंने इस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तब्दीली होनी चाहिए आ और जिहड़ा फ्रॉड चल रहा है एक बाबा साहब नूं बहुत बड़ा दर्जा दिता जा रहा, संविधान नूं धर्म ग्रंथ बनाया जा रहा लेकिन उहदी प्रैक्टिकली और व्यवहारिक रूप दे विच उहदी जिन्नी बेइज्जती हो रही आ जिन्नी उहदियां धज्जियां उड़ा रही आ उस दे उत्ते एक स्टैंड लैण दी जरूरत है। सानू अपना नज़रिया साफ करने की जरूरत है और जिहड़े ये सिर्फ एक अंबेडकरवादी या अंबेडकरवाद ही इसका एक तोड़ है। मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंदा होया फिर मैं अपने लीला बहुत दा बहुत प्रशंसा करता है, उन्होंने उपराला किया है और इस तरह मैं उम्मीद है कि वो अगे वास्ते भी अपनिया कोशिशा और अपना जो प्रचार है वो जारी रखेंगे। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का जो फंक्शन भैन लीला बोध ने अज ऑर्गेनाइज किया है सो मैं उन्होंने तो थानु सारिया बहुत बहुत बधाई दिना। अज इस फंक्शन दे विच सुलेख जी है, बाली साहब है, विरदी जी है, बहुत साडे समाज के बुद्धिजीवी लेखक है जिहड़े बहुत लंबे समय तो साडे समाज नूं सेध दिंदे आ रहे हैं और इन्हां दे पद जिन्हां ते चलदे मैं भी थोड़ी बहुती कोशिश कर रहा कि असी भी अपने बाबा साहब भीम राव अंबेडकर दे पद चिन्हां ते चलदे होए अपने समाज नूं अपने देश नूं जिन्ना भी थोड़ा बहुत योगदान पा सकते हैं पाइए। सो भैन लीलावती जी ने कल ही मैनू फोन करके कहा सीगा कि मैं इत्थे हाज़र होवां, सो मैं खुशकिस्मत हाँ कि तुहाडे सारिआं दे दर्शन होए है। अज असी सानू समय की लोड़ है कि जिथे बाबा नानक उन्हां दी विचारधारा गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की विचारधारा तो गौतम बुद्ध की विचारधारा जिथे सानू उन्हां नूं पढ़न की लोड़ है उत्थे उन्हां दे विचारां नूं फैलाउण की लोड़ है उन्हां ते अमल करन की लोड़ है। इसे दे विच ही खास करके जिहड़ा साडा समाज है दलित समाज है दबिया कुचलिया समाज है उहदी भलाई है साडे देश की भलाई है। बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने जिथे बहुत वड्डा योगदान पाया साडे देश वास्ते धर्म दे वास्ते राजनीति वास्ते अर्थशास्त्र वास्ते बहुत लंबा समय जे असी उन्हां दी एक एक सबजैक्ट दे उत्ते योगदान नूं गिनन लगीए पर सब तो वड्डा योगदान उन्हां ने नारी मुक्ति ते नारी दी उन्नति वास्ते पाया। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल दे उत्ते बतौर ला मिनिस्टर होंदिआं होइआं उन्होंने अस्तीफा दिता सी, उन्होंने इस गल का क्रैडिट जाता है बाबा साहब भीम राव अंबेडकर कि अज भी जो भी साडे देश दे विच औरत नूं आज़ादी औरत नूं बराबरता वोट पाउण दा अधिकार पढ़न दा अधिकार डॉक्टर इंजीनियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिस भी अहुदे दे उत्ते अज साडे देश दी औरत बैठी है जां तरक्की कर रही है इहदा सारा क्रैडिट जिहड़ा आ बाबा साहब भीम राव अंबेडकर नूं जांदा है। सो मैं बेनती करदा कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर दे जिहड़े विचार है उन्हां नूं असीं पढ़िए पढ़ के उन्हां नूं फैलाइए क्योंकि जिहड़े विचार है ये भी एक पौधे की तरह होंदे है जिन्ना चिर असीं उन्हां नूं सिंजदे हां पौधे नूं पानी दिंदे हां तां उह वधदा फुलदा आ पौधा फल भी दिंदा आ ते जे असीं उहदी भाल उहदी ना करिए उहदी देखभाल ना करिए तां पौधा सुक जांदा आ। सो इस करके अज जो समता सैनिक दल दे मैं समझदा कि साडे जिहड़ा इस्त्री वर्ग है उहदा इशूज़ है भैन लीला बोध जी ने बहुत उपराला किया होर चंगा होंदा
जे अज भैणा की गिनती बहुत ज़्यादा होंगी वो थोड़ी महसूस हो रही है, पर कोई गल नहीं, शुरुआत जी है बहुत अच्छी है। आने वाले समय के इस तरह के उपराले भी जारी रहेंगे और भैं जध चढ़ के हिस्सा लेनगियां। तो गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीम राव अंबेडकर के विचार फैलानगियां जो साडा समाज साडा देश तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अशोक शिंदे जी, रिस्पैक्टेड अशोक शिंदे जी, नैशनल जनरल सैकटरी आल इंडिया समता सैनिक दल उपधारे हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो अलावा अज के फंक्शन के मुख मेहमान रंजना वासे जी नागपुर, जिन्हों के करके प्रोग्राम अरेंज करना पाया शोर्ट नोटिस से, वो पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करेंगे माणयोग श्रीमान लोहीराम बाली जी नूं कि वो अपना संदेश देन। श्रीमान लोहीराम बाली जी, हरियाणे में 9-10 जून नूं प्रोग्राम सी, उत्थे साडे नागपुर तों मैडम वासे जी दे नाल लीला बहुत जी की मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये प्रोग्राम इत्थे रख लिया। सानू नहीं पता भी प्रोग्राम दल वालों होना, तो ये जो कुछ भी होया इन्होंने बहुत मेहनत करके सारा कुछ किया। चलो आज भी थोड़ी होवे तो कोई गल नहीं, जे चंद बंदे भी गल नू समझ के पल्ले बन लैन तो बहुत बड़ी गल हुंदी है। साडा जिहड़ा दल दा 2 साल बाद जिहड़ा अजलास हुंदा कुरुक्षेत्र, बड़ी खतरनाक जगह, वो जगह जिथे गीता रची गई और वो दे अंदर साडे विद्वाना ने बे गीता विच की आ और कुरुक्षेत्र दे अंदर साडे दल ने पहली बारे मांग की है कि गीता दे उत्ते प्रतिबंध लाया जाए, गीता नूं बैन किया जाए। जद कदी मैनू बाबा साहब दे अंदर जाण दा मौका मिलदा सी तां उन्होंने गीता दीआं 2 कापियां मंगवाईआं, 2 कापियां गीता दीआं मंगवा के फाड़ियां गईआं, फाड़ के रजिस्टर दे उत्ते पेस्ट कीतीआं, कल्ले कल्ले श्लोक दा उन्होंने उत्ते फिर हथ लिखे, कमेंट लिखे वे की कहना। गीता दा चौथा भाग 13वां श्लोक ये कहना भाई वर्ण अवस्था जिहड़ी है मैं बनाई है, कृष्ण कहंदे आ। हुण कृष्ण कौन आ? बाबा साहब लिखदे आ अपनी किताब दे अंदर भाई ईसाई धर्म दे बानी हजरत ईसा, वो कहंदे आ भी मैं थोनू पैराडाइज लै जाऊँ, पैराडाइज यानी स्वर्ग, लेकिन थोनू मनना पऊ भी मैं रब दा बेटा। फिर बाबा साहब लिखते भी हजरत मुहम्मद कहंदे आ कि मैं थोनू बहिश्त लै जाऊँ, लेकिन ये मनना पऊ भी मैं रब दा सुनेहा लियाण वाला आखिरी बंदा, पैंबर का मतलब सुनेहा लियाण वाला। फिर बाबा साहब लिखते भी कृष्ण की कहना, ईसा कहते मैं रब का पुत, मुहम्मद कहते मैं सुनेहा लियाण वाला आखिरी, कृष्ण कहते मैं खुद खुदा आया, मैं ईश्वर हाँ। गीता विच लिखते हैं श्री कृष्ण कहते मैं ईश्वर हाँ। तो ईश्वर जिहड़ा, जे ईश्वर ने वर्ण अवस्था बनाई है तो उन्हों तोड़न वाला कौन है? वर्ण अवस्था तो ही जात पात बनी, वर्ण अवस्था ही तो ही छुआ जात बनी। तो हुण मैं जिहड़ी गल थानू कुरुक्षेत्र की करदा सी वो तो अगे गल करनी चाहना कि साडे देश के अंदर 3 इनकलाब होए आ, 3 क्रांतियां। पहली क्रांति 47 च होई, थोड़े चो बहुत सारे ने नहीं देखी होनी, मैं देखी है, सुलेख साहब ने देखी है, जिन्हों का 47 तो पहला जन्म है और होश भी सी उन्होंने देखी क्रांति।
वो बड़ी जबरदस्त क्रांति सी। लखाए लोग इधरों उधर होए, मारे गए, लुटे गए, बर्बाद होए, तिया भैनों की जड़ी बेप्रती हुई उसका कोई बयान नहीं आदमी कर सकता। लेकिन वो क्रांति इन्नी जबरदस्त थी, अगर उन्हों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संघ गांव में संघ ही कहना जे संघ उन्हों फिरकू रंग ना दिना तो वो क्रांति बहुत बड़ी जबरदस्त क्रांति होनी सी। दूजी क्रांति बाबा साहब अंबेडकर ने लिया, वो क्रांति सी संविधान की क्रांति। जिन्हें साथियों ने संविधान पढ़िया, मैं किताबा लिखिया संविधान से, मेरे सामने संविधान बनिया, किने लत खिची, किने बाबा साहब कलम जंजीर पाई, किने उन्होंने कम नहीं कर दिता, वो सारा मेरे सामने होया। दूजी क्रांति संविधान के राही हुई, उस क्रांति अमल में लिया की कोशिश नहीं की गई। जब पहली परत लई बाबा साहब ने संविधान पेश किया तो वो आखिरी शब्द थे बाबा साहब के, बे जे संविधान के नाल लोगों का भला ना होया, लोगों की तरक्की ना हुई, लोगों की समाजिक आर्थिक गुलामी खत्म ना हुई, तो यह कहना पड़ेगा बे संविधान माड़ा ना सी, इनू लागू करने वाले लोग ही वाइल, अंग्रेजी का शब्द बाबा साहब ने वरत्या वाइल VILE, इनू लागू करने वाले लोग ही बेईमान थे, लोग ही भ्रष्ट थे। फिर दूजी कहानी, एक बार बाबा साहब संविधान सभा च पार्लीमेंट कह लगे बे जे संविधान को अग लानी पवे तो सब ना पहला आदमी मैं होऊंगा। लोगों ने कहा बे इन्नी मेहनत करके दिन रात जाग के सेहत खराब करके तुम संविधान बनाया, हुण तुम कहने मैं अग ला देनी है। बाबा साहब नूं उदों मौका नहीं मिलिया जवाब देण दा। फिर एक होर वेले उन्हां नूं मौका मिलिया जिहड़ा 15 वॉल्यूम विच दर्ज आ। की मौका बाबा साहब ने कहा? बाबा साहब ने कहा बे मैं मंदिर बनाया सी, संविधान नूं नहीं मंदिर की उपमा दी है, मैं मंदिर बनाया सी बे इहदे च देवता रहूगा। कहिंदे देवता तो पहला इहदे च शैतान आ बणिया, इस करके मेरा मन होया इहनूं अगे ला देनी चाहीदी है। हुण विधान अपना की कहिंदा? विधान दीआं मैं दो सिर मसाला देणियां चाहना। अगर विधान लागू हो गया हुंदा ना गरीबी रहिंदी, ना बीमारी रहिंदी, ना बेकारी रहिंदी, ना बीबियां दी बेप्रतीति हुंदी। दो ही जिहड़ा पा गया चौथा संविधान दा, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण पा गया। उहदे बारे बाबा साहब ने पार्लीमेंट च कहा वे लोग कहिंदे समाजवाद चाहीदा, वह कहिंदे जे ये समाजवाद नहीं संविधान का चौथा भाग फिर मैनू नहीं पता भी समाजवाद की हुंदा। हुण उहदे विच अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 की कहिंदा? आर्टिकल 39 ये कहिंदा कि देश का तन वैल्थ एक कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देनी, देश का तन दौलत कुछ हत्थां दे विच नहीं होने देना। इनू कहिंदे कंसंट्रेशन, यानी किसी की मुठ विच हो जाना। दूजा उच की कहिंदे है 39, ये कहिंदा है जिन्ने भी साडे साधन आ, आ जमीन आ, जमीन ना मैं बना सकता, ना तुसीं बना सकते हैं, ना कोई साइंसदान बना सकता। जमीन, कोला, अबरक, नदियां, ये सारा ही जिन्ना कुदरत ने सानू दिता, ये विधान कहिंदा ये लोगों का होना, लोगों के भले लिए होना। पर ये नहीं होया। अज 1% लोग 100 चो 73% तन दौलत अपने को दबा के बैठे हैं। और जेड़े भी मुख्यमंत्री ने देखो बहुत बड़ा जिमीदार, पंजाब का लै लो, हरियाणे का जरा हटिया वो लै लो, जेड़ा भी देखो बड़े बड़े जिमीदार आ साढ़े होर तो और आ जरा एक्टर अमिताभ
उन्हें बनाया यूपी के अंदर सैकड़े एकड़े का फार्म। वो एक्टर भी है, वो एडवरटाइजमेंट भी करता, वो जमीन का मालिक भी है और कागजा च लिखा जाता खुद काशत, ये खुद खेती कर रहा। ये बेईमानी, ये झूठ साढ़े देश हो सकता, होर कित नहीं हो सकता। तो जी दूजी क्रांति सी यू भी विफल कर दिता गया। अज हालत यह है भी संविधान जिदा किदा यू कमतर किया जाए, संविधान कमतर किया जाए, एदिया बड़िया टंग मरते जा रहे हैं और यह भी कोशिश की जा रही है संविधान कई बदल दिता जाए, क्योंकि सब न बड़ी रुकावट हिंदू राज कायम करने च, हिंदू राज कायम करने च सब तो बड़ी रुकावट संविधान है। आज संविधान खत्म कर दें हिंदू राज कायम हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा पाकिस्तान पार्टीशन किताब के अंदर जिड़ी के वॉल्यूम 8 है, वो कहते हैं भी हिंदू राज किसी हाल च भी कायम नहीं होने देना, ये चाहे जितनी भी कुर्बानी करनी पड़े सानू कुर्बानी करनी चाहिए है। आज देश के अंदर बड़े संकट के हालात पैदा हो रहे हैं, जिन्हों मर्जी मार दो। यूपी च की हो रहा, यूपी च वह मैं एक उदाहरण दिना, 100 साल पहला इतने साउथ बेरो कमेटी आई इंडिया के अंदर, बरतानिया तो आई कमेटी 100 साल पहला, वॉल्यूम 1 च आए। वो कमेटी के सामने सवाल सी वे वोट का हक किनू देना, उदे च बाबा साहब की गवाही हुई, उन्होंने दिल्ली दिती बेजे अनपढ़ा नू वोट फलाने फलाने देश हो सकती है तो भारत में अनपढ़ नू वोट क्यों नहीं दिती जा सकती। ये पहली गल सी। दूजी गल ये सी बई जिहड़े विरोध आ जिहड़ा पुजारी आ इहनू राजनीति ते परे रखना, ये लिखिया है उत्थे। अज की हालत है, अज सारी राजनीति सारी ताकत विधान के सारे अधिकार अज पुजारियों को चले गए। मिसाल दिना मैं थानू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किड्डा बड़ा सूबा, किन्नी बड़ी आबादी, 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, 22 करोड़ लोगों को एक जोगी नाम के पुजारी के हवाले कर दिता। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हो रहा, जिन्हों मर्जी गोली मार दो, कुछ दिन पहला एक मुसलमान को गोली मार दी, कुछ दिन पहला सहारनपुर जेड़ा भीम सेना का आदमी सी, सहारनपुर का प्रधान, उन्हों तुरे जाते गोली मार दी। जिन्हों मर्जी गोली मार दो, जिसे मर्जी मुकदमा बना दो, जो चाहो करो, ये जोगी कर रहा विधान उसके अपने हाथों से है। और हालत यह है कि जेड़ा भी आदमी उत्थे आवाज उठाता, अच सैकड़े दलित जेल के अंदर बंद आ, कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई गले नहीं कर देते। साढ़े दल के लोगों ने दौरा करके आके जिहड़ी रिपोर्ट दिती है, बड़ी दर्दनाक रिपोर्ट है, जो हालत अच दलितों की उत्थे हो रही है। विधान फेल होया उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अफसोस की गल यह है कि साढ़े राष्ट्रपति नजर ही नहीं आ रहा, साढ़े राष्ट्रपति नजर नहीं आ रहा। मैं ऐतकी भीम पत्रिका च जे थोड़े बच्चों किसी ने पढ़िया, मैं राष्ट्रपति के नाम खुला खत लिया, खुला खत राष्ट्रपति गया पुष्कर मंदिर च राजस्थान, देखो देश का राष्ट्रपति उन्हूं मंदिर च नहीं बन दिता गया, मंदिर च नहीं बन दिता गया, वो पौड़िया से बह के पूजा कर रहा, पौड़िया से बह के बहाना की लाया भी मेरी जड़ी औरत है वो चढ़ नहीं सकती, वो चढ़ नहीं सकती, उत्ते नहीं जा सकती। तो मैं लिखिया भी अजकल साइंस इन्नी तरक्की कर गई है, अज तक मेरा एक साथी
इंग्लैंड बीमार है, वह दूजी मंजिल से रहा, उत्थे दी सरकार ने उहदे लई बिजली दी पौड़ी लाती, थले बहिंदा उत्ते चले जांदा। तो मैं गया ये तो बहाना, अरे राष्ट्रपति होके तुहानू मदद च नहीं जान दिता, तुसीं उहनां नूं गिरफ्तार क्यों नहीं कराया? जिस देश के अंदर राष्ट्रपति की इज्जत होवे वह विधान किन्ना के लागू करूँ? यूपी जो कुछ हो रहा उत्ते विधान फेल होया, राष्ट्रपति नूं देखना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति ने नहीं देखा। यह बड़ी लंबी कहानी है। तीजा इनकलाब, जेड़ा इनकलाब साडे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और इनकलाब है जेड़ा नागपुर होया। नागपुर वाले निकाल दी, नागपुर के इनकलाब का महत्व, उहदा असर, उहदा दूर दुनिया तक असर आप दुआजे के लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। बाबा साहब ने कहा 14 अक्टूबर 1956 बे मैं नर्क चो छुटिया, नर्क उन्हीं नर्क शब्द वरत्या, नर्क आप नर्क बैठे हैं, नाले उन्होंने बुरा भला भी कही जाने हैं, नाले उन्होंने बिच ही हैं, उन्होंने ग्रंथ, उन्होंने रीति रिवाज, उन्होंने देवी देवत्या की पूजा उत्थे ही बैठे हैं। जे ये है तो फिर अगे बढ़न का कोई राह नहीं, इस कोई दो रामा नहीं। तीजा इनकलाब यह है जेड़ा बाबा साहब ने किया, और वह इनकलाब सारे देश दे विच बहुत जबरदस्त ढंग दे नाल लागू होया, साडे पंजाब च नहीं लागू होया। साडा जेड़ा संत सैनिक दल है रजिस्टर्ड बॉडी है, इहनू एक पुंडक दी छूट मिली है। 4 एकड़ च साडा ट्रेनिंग सेंटर है जिथे हर साल ट्रेनिंग दिती जाती है। 30-40 साल तो साडा दफ्तर है, साढ़े 19 साल तक के अंदर साढ़े बंदे है जिहड़े काम कर रहे हैं, और कुरुक्षेत्र के 400 डेलीगेट सारे देश चो आया, जिस 100 औरतें सी हैं जिन्हों का जिक्र नदर साहब ने किया हिंदू कोर बिल का। तो मैं बहुत ज़्यादा ना बोलता होया ये कहना चाहना कि अज जे आप चाहते हैं, जे आप चाहते हैं भी अंबेडकर आप अपनाया तो अंबेडकर पढ़ो। अंबेडकर के नाँ से दुकाना बहुत खुल गई, अंबेडकर के नाँ से दुकाना बहुत खुल गई। अंबेडकर का नाँ लेंदे है गह होर कुछ कही जाते हैं, होर कुछ करी जाते हैं, ये नहीं चाहिए। जे अंबेडकर का नाँ लेने अंबेडकर पढ़ो, अंबेडकर समझो, अंबेडकर जो कहते हैं वो करने की कोशिश करो। 3 गल कह के जिहड़ियां सिद्धांत आ बाबा साहब का मैं अपनी गल समाप्त करना। पहली गल, जेड़ा अपने आप को अंबेडकर ही कहता, अगर वो तर्कशील नहीं, अगर वो तर्कशील नहीं, रैशनलिस्ट नहीं, वो अंबेडकर ही नहीं हो सकता। अगली गल, बाबा साहब कहते 3 सिद्धांत है मेरे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटरनिटी। ये तिने इकट्ठे रहने हैं, कले कले नहीं होने। लिबर्टी का मतलब आजादी, आजादी का मतलब लोगों की, लोगों को आजादी नहीं केवल दूजे देश की गुलामी तो आजादी नहीं, आजादी का यह भी मतलब है थोड़ा दिमाग आजाद होना चाहिए, तुसी मानसिक तौर पर आजाद होने चाहिए है, ये है आजादी। दूजी गल, इक्वलिटी, बराबरता, ना सिर्फ बंदियों में बराबरता बल्कि आदमी और औरत में भी बराबरता, जिदा कि संविधान के अंदर दर्ज किया गया। तीजी है फ्रैटरनिटी, भाईचारा, संविधान के पहले पन्ने से ही है, पहले पन्ने से ही है बे फ्रैटरनिटी, भाईचारा पैदा करना। अज भाईचारा पैदा नहीं हो रहा, भाईचारे को तोड़िया जा रहा। अज नफरत की सारी गल हो रही है, फुट की गल हो रही है, भेदभाव की गल हो रही है, लड़ाई की गल हो रही है, मारकाट की गल हो रही है, अज प्रपण की गल नहीं हो रही। विधान कहता प्रपण पैदा करो, बाबा साहब कहते हैं प्रपण पैदा करो। तो अज सब तो बड़ी गल यह है कि आपां नूं प्रपण
पैदा करना चाहिदा। ये मैं थोड़े सामने बेनती करता होया अपनी गल नूं समाप्त करदा। मैं उते जिहड़ी गल थोनू ठीक लगे उते अमल करियो, उते आचरण करियो, यही सब तो वधी जिहड़ी गल हुंदी है। असी अखीर च कहने हैं जय भीम नमो बुद्धाय। इन्हां अपने सीनियर दी जिहड़े आशीर्वाद नाल जां गाइडेंस दे नाल तो मेन साडा सट्रेस यही है कि बाबा साहब बारे पढ़ो, क्योंकि बाबा साहब इदां दे शख्स आ। होर बाबिआं नूं पढ़ो जां ना पढ़ो, पर इस बाबे नूं पढ़ो तो बिना तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैणा। और इहदे विच ही तुहाडा कल्याण आ, सब दा भला आ, देश दा भला आ, मानवता दा भला आ, क्योंकि वो जिहड़ा संदेश आ उही वर्ल्ड लैवल दा संदेश आ। जिवें बाबा साहब दियां लिखतां एक वार ता पढ़ सजना, रहबर ने दसियां जो रमजानू फड़ सजना। बाबा साहब दियां लिखतां एक वार ता पढ़ सजना, बाबा साहब दियां लिखतां एक वार ता पढ़ सजना। बाबा साहब ने हाथ विच जद कागज़ ते पेन फड़िया, नेरे नू ढोंदिया लई उस दिन ही दिन चढ़िया। पुस्तक है अकल दिंदी, पुस्तक है अकल दिंदी, राय अकल दा फड़ सजना। बाबा साहब दियां लिखतां एक वार ता पढ़ सजना, एहो जही दौलत है किताब, एहो जही दौलत है जो कदे भी खुसदी नहीं, एहो जही महबूबा जो कदे भी रुसदी नहीं। ए गल्ला करदी है जरा कोल ता खड़ सजना, बाबा साहब दियां लिखतां एक वार ता पढ़ सजना। जे पुस्तक ना हुंदी इतिहास भी ना हुंदा, जो हुण तक होया है ए विकास भी ना हुंदा। ए सदा बहार रहे धुप है जा चढ़ सजना, बाबा साहब दियां लिखतां एक वार ता पढ़ सजना। बाबा साहब ने खुद पहला दुनिया नूं पढ़िया सी, हक्कां अधिकारां लई बेखौफ हो लड़िया सी, हक्कां अधिकारां लई बेखौफ हो लड़िया सी। बाबा साहब ने ही पट्टी बुरियां दी जड़ सजना, बाबा साहब दियां लिखतां इक वार ता पढ़ सजना। हालात नूं बदलण लई लिखिया संविधान उना, इस विच सब नूं कीता है एक सवाल उना, संविधान करो लागू इस गल ते अर सजना। बाबा साहब दियां लिखतां एक वार ता पढ़ सब सजना। बाबा साहब जहे रहबर लिखता विच वसदे ने, किदां कल्याण होणा बाखूबी दसदे ने। असी भीम नूं पढ़दे नहीं ताही गड़बड़ सजना, बाबा साहब दियां लिखतां एक वार ता पढ़ सजना। बाबा साहब लई पुस्तक बाबा साहब ने अपने हत्थां नाल लिखिया कि पुस्तकां मैनूं अपनी औलाद तों वी वध प्यारियां। और असी उस चीज़ का किन्ना क माण करते हैं, उस चीज़ की किन्नी क लाज रखते हैं, ये तो सानू अपने आप तो खुद तो पूछना पड़ेगा। बाबा साहब ने पुस्तक
औलाद तो वध के है, पुस्तक ता दुनिया की बुनियाद तो वध के है, पुस्तक ता दुनिया की बुनियाद तो वध के है। बाबा साहब नू नहीं पढ़िया ओ है अनपढ़ सजना, बाबा साहब दिया लिखता एक बार ता पढ़ सजना। लास्ट बंद थोड़ा साझा कर रहा, गौरा सुनो, जिनी करी किताबा नहीं वो भी कोई कर हुंदे, जिनी करी किताबा नहीं वो भी कोई कर हुंदे, जो चंगा लिखते ने सहजन अमर हुंदे। हुण जंग विचारा दी, हुण जंग विचारा दी कलमा नाल लड़ सजना, बाबा साहब दियां लिखता एक बार ता पढ़ सजना। रहबर ने दसियां जो रमजानू फड़ सजना, बाबा साहब दियां लिखता एक बार ता पढ़ सजना। धन्यवाद, जय भीम। मैंने लगता सब ने बहुत इंजॉय किया है, बट ये नहीं कि ताड़ी मारी आप खुश हो गए हैं। इस इन्होंने वर्ड्स नू अपने इतने इस चिप के प्लीज सेव करके जाना और याद रखना उन्हों कि सहजल जी ने सानू की किया है, बाबा साहब बारे की दसा है। थैंक यू। प्रिंसिपल पवार भी बाबा साहब का जो लिटरेचर है उस वाधा जो कर रहे, कई किताबा उन्होंने भी लिखिया। आर के पवार जी, प्रिंसिपल आर के पवार। अज के इस फंक्शन के मुख मेहमान साढ़े समाज के बहुत ही उच्च कोटि के सिरकड सूझवान अगांह वधू विचार देने वाले इंसान। मैं दो मिनट बोलन वास्ते कहा गया है, बड़ा मन खुश होया अज के इस फंक्शन देख के, जिथे श्री लाहौरी राम बाली जी, केसी सुलेख जी, बिरदी साहब, लद्दर साहब, होर भी उच्च शख्सियत बोल के गई हो, सहजल साहब बोल के गए, मेरा उत्थे को बोलण का बहुता मतलब नहीं रह जाता। मैं याद है मैं 1977 च 78 च 10वीं च पढ़ता सी, मेरे पिता श्री भागू राम जी पिंड भुला राई चक हकीम मेले तो एक उन्होंने मैं किताब लिया के दी। वो किताब श्री लाहौरी राम बाली जी की लिखी हुई सी, पंजाबी विच। मैं उस किताब नूं पढ़िया, भावें उस वेले मैं बहुता समझ तो नहीं आया, बार बार बीए कीती ते किताब नूं समझिया। विरदी साहब सहजल साहब दियां ही किताबां साडे कोल इत्थे विकदियां सन, उन्हां नूं पढ़ के ये रास्ता मिलिया। मेरे कहण दा मतलब यह है जिन्ना जीवन बचदा साडी कोशिश आ, साडे जिन्हां रहबरां ने सानू रास्ता दिखाया उन्होंने कदमों से चलण का मन बनाया। वाली साहब उन्होंने मैं कभी बोलदिया सुनया नहीं, सुलेख साहब जी ने कभी बोलदिया सुनया नहीं, पर अज मैं अपने आप को भागा वाला समझदा कि उन्होंने मैं जिस तरह सुनता सी, उन्होंने पढ़ता सी किताबों चो, अज मैं अखी देखिया, मेरे लिए बहुत भागा वाली गल। यह समाज बाबा साहब ने कितों दलदल विचों कढ के बड़िया मुसीबत करके कट के भुखे रह के किन्नी सेध दे के अज मुकाबले दे लिया के खड़ा किया। साडा फर्ज बनता है कि असी उन्होंने दसे हुए पूर्णियां ते चलीए, अपने समाज में भी जागृत करिए। समाज की जागृति बहुत वड्डी जागृति है, उन्होंने लाइना अक्सर मेरे दिल से असर कर दिया रहिंदियां हन। जदों कि सभा विच बोलदिया, भारी सभा विच बोलदिया, उन्होंने एक बार कहा सी तुहाडे तरसयोग चेहरियां नूं देख के मेरा सीना फटदा, चंगा हुंदा तुसी अपने मां दे गर्भ विच ही मर गए हुंदे, जाओ कट्ठे होवो, कट्ठे होके संघर्ष करो, संघर्ष करन दे नाल हौसले बुलंद हुंदे ने, हौसले बुलंद होण नाल अगे वधण नाल संघर्ष छिड़दे ने, जदों संघर्ष छिड़दे ने तां खोए हुए हक जिहड़े आ ओह प्राप्त हुंदे ने। सो मैं धन्नवाद करदा साडे उहनां शख्सियतां दी
जिन्हां ने सब तो पहला पंजाब बाबा साहब की फिलोसफी आ के इत्थे लोगों तक जागृत किया, लोगों तक लैके गए ने। लद्दर साहब बहुत विद्वान भी ने, उन्हां दा नाम भी सुने, अज पहली बार मिले हाँ, तो उन्हां दीआं किताबां भी लिखियां, कोशिश करांगे उन्हां दीआं जिहड़ियां लिखतां लैके जाके पढ़िए। सो मैं अखीर ते यही कहांगा वे सारिआं नूं एक प्रण करना चाहीदा, एक डेडिकेशन देनी चाहीदी आ। अज दा इह फंक्शन जिहड़ा मैं समझदा वे बहुत लोग इत्थे ही अंदर ही बैठे ने, उन्हां नूं जां तां प्रॉपर पता नहीं लग्या, जां जे उन्हां नूं पता लग्या तो गर्मी के करके शायद नहीं आ सके। जिथे जिहड़ियां शख्सियतां बैठियां होण उत्थे सानूं खुद के जाके उन्हां दे विचार जिहड़े आ सुनने चाहिए आ। मैं समझदा जिहड़े घर ही बैठे उन्होंने मौका अज मिस कर रहा। सो सारिआं ही मेरे जिन्हें वीर मेरिया भैन बच्चिया मेरे भरा बजुर्ग इतने आए हैं उन्होंने सारिया का मैं इतने धन्यवाद करता हाँ। तो नाल सानू ये कोशिश भी करनी चाहिए है कि प्रण लैके जाना चाहिए कि जो बाबा साहब ने तो सारा जीवन लाया ही लाया। मैं समझदा सुलेख साहब वाली साहब ने भी अपना सारा जीवन जोड़ा समाज में जागृत करने वास्ते लाता, सहजल साहब, विरोधी साहब, लद्दर साहब भी पूरी यतन कर रहे हैं कि समाज में देन दिती जाए। सो यही वड्डा आदर्श है, यही वड्डा मैं अज संदेश देना चाहता हाँ कि सानू बाबा साहब के दसे हुए पूर्णिया से उन्होंने जोड़े तीन सिद्धांत जोड़े आ उन्होंने अड़ के पहरा देना चाहिए है। जय भीम जय भारत। तक बैठ